Hello everyone, once again this is Riya sir. Welcome to all of you in Ajit Academy. Yes students, last lecture में हम लोगों ने एक chapter start किया था. Chapter का नाम था partitions values. Partition values के अंदर तीन concepts हैं, quartile, decile and percentile, जिसमें से last lecture में हमने क्वार्टाइल खत्म किया था. क्वार्टाइल एक बार मैं वापस आपको बता देता हूं. क्वार्टाइल का मतलब क्या है कि होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को फोर पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड करना, उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स. इसीलिए हमने वहां पे सॉल्व किया था Q1, Q2, Q3 और तीन टाइप के मेथड सॉल्व किए थे. एक था इंडिविजुअल डेटा, एक था डिस्क्रीट डेटा और एक था कंटिन्यूअस डेटा, जो हम लोगों ने क्वार्टाइल में कवर किया था. आज हम मिले हैं वापस किस लिए, आगे के दो मेथड्स को खत्म करने के लिए. आगे के दो मेथड्स का नाम है डिसाइल एंड परसेंटाइल. आज के लेक्चर में हम डिसाइल का कुछ पार्ट क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे. बोला सर डिसाइल मतलब क्या है. जैसे कि क्वार्टाइल में हमने होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स किया था, वैसे डिसाइल में होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. डिसाइल में होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. इसीलिए हम अब स्टार्ट करेंगे क्या, डिसाइल. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसाइल में अपने को, वापस एक बार मैं यहां पे आपको लिखकर बता देता हूं डिसाइल मतलब क्या है. डिसाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा. डिसाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड्स होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू टेन इक्वल पार्ट्स. मतलब अपने को यहां पर हर ऑब्जर्वेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ओके बच्चों, क्वार्टाइल में हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, डिसाइल में अपने को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. क्वार्टाइल में हमारे पास ऑप्शन था Q1, Q2, Q3. हमें यहां पर डिसाइल फाइंड आउट करना है फ्रॉम D1 टू D9. मतलब एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट D2, कैलकुलेट D4, कैलकुलेट D8, कैलकुलेट D9, कैलकुलेट D7. मतलब जो भी हमें डिसाइल में कैलकुलेट करना है वो नंबर्स किसके बीच में रहेंगे, D1 से लेकर D9 तक. तो आपको सिंपली ये याद रखना है बच्चों कि डिसाइल में हमें होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 इक्वल पार्ट्स. ओके बच्चों, अब डिसाइल में हम सबसे पहला कवर करेंगे, डिसाइल में हम सबसे पहला कवर करेंगे इंडिविजुअल डेटा. क्या कवर करेंगे बच्चों, इंडिविजुअल डेटा. डिसाइल में हम क्या कवर करेंगे बच्चों, पहला डेटा इंडिविजुअल डेटा. चलो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, कैलक्यूलेट. ओके, कैलक्यूलेट D4 एंड D8 फॉर दी
फॉलोइंग डेटा। ओके बच्चों, क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलक्यूलेट डी फोर एंड डी एट फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 18 पे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट डी फोर एंड डी एट फॉर द फॉलोइंग डेटा। चलो फॉर द फॉलोइंग डेटा बोला तो डेटा भी तो लिखना पड़ेगा। डेटा दिया है 10, 15, 7, 8, then 12, 13, then 14, 11 and 9। यस बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पे, कौन से डेटा का, इंडिविजुअल डेटा का। चलिए तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1। ओके बच्चों, सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 इज अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है, डेटा को अरेंज करना, क्योंकि हमें जो ये इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन अरेंज फॉर्म में नहीं है। तो इंफॉर्मेशन जब अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। चलिए अरेंज कर लेते हैं। पहला आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर 10 भी है, 11 भी है, 12, 13, 14 एंड 15। मैंने अपने मर्जी से नहीं लिखा है, ये यहां पर दिया है, इसको अरेंज किया है मैंने, ये याद रखो बच्चों, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दिया है इधर, बट इधर अरेंज फॉर्म में नहीं है, क्वेश्चन में हमने अरेंज किया। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? यस। तो अभी स्टेप नंबर 2 हमें अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 इज वॉट, अप्लाई फॉर्मूला। स्टेप नंबर 2 इज वॉट, अप्लाई फॉर्मूला। ओके, चलिए फॉर्मूला में बता देता हूं, डीजे इज इक्वल टू साइज ऑफ जे एन प्लस 1 अपॉन 10 से डिवाइड करना है, ऑब्जर्वेशन। ओके, डीजे इज इक्वल टू साइज ऑफ जे एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10, ऑब्जर्वेशन। चलिए पहला हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है बच्चों, डी फोर। तो चलिए डी फोर कैलकुलेट करते हैं, तो डीजे बन जाएगा डी फोर, साइज ऑफ जे बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n कितना हुआ, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10th, ऑब्जर्वेशन। यस बच्चों, गेटिंग द पॉइंट, d4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10th, ऑब्जर्वेशन। चलो आगे कैलकुलेट करेंगे, d4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 10th, ऑब्जर्वेशन। फिर d4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4, अब देखो 10 कैंसल हुआ तो मल्टीप्लाइड विथ 1, ऑब्जर्वेशन। तो हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा,
D4 is equal to size of fourth observation. तो बच्चों D4 is equal to size of fourth observation तो देखना पड़ेगा. First, second, third and fourth. तो that means D4. That means D4 is equal to 10. समझा? Yes, बच्चों समझ में आया क्या आपको? देखिए क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन का पहला स्टेप है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, देन अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला आपके सामने है. D4 कैलकुलेट करने को बोला है तो हमने ले लिया. D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 एंड 9+1 डिवाइड बाय 10 और ये सब कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में आया D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन. तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा. 1, 2, 3, 4. तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 10. तो देयरफॉर D4 इज इक्वल टू 10. आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों. क्लियर है क्या? यस. चलिए अगर किसी को नहीं समझा रहेगा तो एक और मौका है. ओके अगर किसी को नहीं समझा रहेगा तो एक और मौका है समझने का, क्योंकि हमें एक और चीज फाइंड आउट करना है D8. तो चलिए फॉर्मूला वही रहेगा, डेटा अरेंज करके रखा है. तो चलिए DJ आ जाएगा अभी 8, साइज ऑफ 8, एन पता है अपने को 9+1 डिवाइडेड बाय 10, ऑब्जर्वेशन अगेन D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8, 9+1 10, 10, ऑब्जर्वेशन. ओके चलिए तो बताइए D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ क्या आएगा? 8 × 1 क्योंकि ये कैंसल, ऑब्जर्वेशन. तो फिर D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 × 8 80 आएगा. तो 8 ऑब्जर्वेशन. तो देयरफॉर D8 इज इक्वल टू 8 ऑब्जर्वेशन बोला है ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो आंसर इज व्हाट? D8 इज इक्वल टू 14. समझा क्या बच्चों? कितना सिंपल है देखो. वेरी सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशंस. मैंने D4 भी सॉल्व किया, ठीक है, और मैंने D8 भी सॉल्व किया ताकि आपको समझ में आए. मैं होमवर्क भी दे सकता था बट मैंने दिया नहीं, बोला आपको समझना चाहिए. तो D4 है तो D4 आएगा, D2 बोला तो D2 साइज ऑफ 2 आएगा, D7 बोला तो D7 इज इक्वल टू साइज ऑफ 7. जो बोला रहेगा वो नंबर लिखने का. आई होप आपको इंडिविजुअल डेटा समझ में आया होगा. यस बच्चों, यहां पे हमारा इंडिविजुअल डेटा क्या होता है? खत्म होता है. जो आपको ये किधर मिल जाएगा? पेज नंबर 18 पे. चलिए इंडिविजुअल डेटा जो है ये बहुत ही इजी है. चलिए अभी मैं आपको डिस्क्रीट डेटा बताऊंगा. ओके आवर नेक्स्ट डेटा इज डिस्क्रीट डेटा. आवर नेक्स्ट डेटा इज डिस्क्रीट डेटा. ये भी सेम आपको पेज नंबर किधर मिलेगा? 18 पे. किधर मिलेगा स्टूडेंट्स? पेज नंबर 18 पे.
ओके। चलिए पेज नंबर 18 पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ले लेता हूं पहले। ओके, क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट, अब यहां पे हमें पूछा है फाइंड आउट D2 एंड D4 फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहां पे हमें बोला है कि क्या कैलकुलेट करो, D2 एंड D4। पहला इसमें हमें बोला है मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट, पेज नंबर 18 पे मिलेगा आपको ये। चलिए मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। चलिए 10 मार्क्स 5 लोगों को मिला है, 20 मार्क्स 6 लोगों को मिला है, 30 मार्क्स 4 लोगों को मिला है, 40 मार्क्स 5 लोगों को मिला है, 50 मार्क्स 10 लोगों को मिला है एंड 60 मार्क्स 9 लोगों को मिला है। चलिए दोस्तों मुझे बताओ, डेटा अरेंज फॉर्म में है या अरेंज करना पड़ेगा? यस बच्चों, हमें जो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा या अरेंज में दिया है अपने को? यस, अरेंज फॉर्म में दिया है। तो डायरेक्टली अभी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, हाँ बच्चों सॉल्यूशन दे रहा हूं। चल पहला कॉलम मार्क्स, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलिए लिख देता हूं मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड CF। चलिए मार्क्स बताइए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ओके, मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, 60। चलिए तो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 6, 4, 5, 10 एंड 9। चलिए अभी CF फाइंड आउट करते हैं बच्चों, CF फाइंड आउट करते हैं। पहला 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 9 39। समझ में आया क्या बच्चों CF कैसा फाइंड आउट किया करके? CF कैसा फाइंड आउट किया करके समझा क्या बच्चों? 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 9 39। तो ऐसा करके CF फाइंड आउट किया। चलिए अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए बच्चों क्या फाइंड आउट करना है? पहला अपने को D2, क्या फाइंड आउट करना है अपने को? पहला D2, तो लिखना पड़ेगा D2 इज इक्वल टू साइज ऑफ। चलिए पहला बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओके तो कैसा कंफ्यूजन नहीं होगा। बेसिक फॉर्मूला लिख लेंगे,
dj is equal to size of j n plus 1 upon 10th observation. यही हम लोगों ने इंडिविजुअल डेटा में भी देखा था. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. dj बोला गया है d2. चलो d2 पहला फाइंड आउट करेंगे. तो d2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2 n फाइंड. जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एक डेमो लेक्चर्स है. अगर आप चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल चैप्टर्स आपको इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले तो उसके लिए तुरंत आप लोग प्ले स्टोर से हमारे अजीत एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप लोगों को ये सारे वीडियो कोर्सेस हम लोग बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जो कॉस्ट आप सोच भी नहीं सकते उतने कम कॉस्ट में हमें वीडियो कोर्सेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं.